कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो गाइस अभी जो है मैं छत पे आ चुका हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अभी चल रहा है बारिश का सीजन। ये सीजन में जो है सबसे ज्यादा दिक्कत ये आता है कि जो अपने कबूतर है ना वो गंदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम लोग चाहे कितना भी उनको साफ करने की कोशिश करें बट कबूतर काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। उन लोगों को भाई साफ रखना ये सीजन में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बारिश होता रहता है, जो जाल में जो पेटी में बीट होता है पानी के वजह से पूरा गीला हो जाता है। कबूतरों के पूंछ में उनके पंख में जो है वही बीट लग जाता है और कबूतर हो जाते हैं बहुत जल्दी गंदा। जब अपने कबूतर एकदम साफ होते हैं तो भाई देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन वही बीट जब अपने कबूतरों पे लग जाता है तो भाई बहुत गंदे से लगने लगते हैं, पकड़ने का भी मन नहीं होता है। तो सब लोग यही सोचते हैं भाई कि अपने कबूतरों को साफ कैसे करें। तो आप लोगों को एक बात मैं एकदम क्लियर कर दूं, जैसे अपने कबूतर नॉर्मल सीजन में रहते हैं तो वैसे तो आप अपने कबूतर को बारिश के सीजन में नहीं रख पाओगे, थोड़ा बहुत तो गंदे रहेंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक साफ कर सकते हो। तो वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है अपने कबूतरों को टाइम टू टाइम नहान देते रहना है, लेकिन उसी दिन देना है जब थोड़ा सा धूप निकला हो। और बारिश के सीजन में ज्यादा का टाइम बारिश होता रहता है, धूप बहुत कम ही निकलता है, लेकिन जिस दिन भी धूप निकले आपको कोशिश करना है अपने कबूतरों को नहान देने का। जैसे कि आज जो है थोड़ा थोड़ा धूप निकला हुआ है तो हम अपने कबूतरों को नहान देंगे। और गाइस नॉर्मल पानी से हम लोगों को नहान नहीं देना, हमें देना है अपने कबूतरों को ये पोटेशियम पर मैग्नेट से और फिटकरी के पानी से नहान, जिससे कि अपने कबूतरों में से जो भी गंदगी है वो निकल जाए। और टाइम टू टाइम नहान देंगे तो कबूतरों के अंदर बीमारी भी लगने का चांस कम रहेगा। नहीं तो भाई क्या होता है उनके पर पे सब जगह बीट उट लग जाता है तो कबूतर को बीमारी में आने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ये है फिटकरी, इसको हम लोग तोड़ लेंगे। हम लोग जो है ये फिटकरी का पूरा पाउडर बना देंगे इसको तोड़ के और पानी के अंदर मिक्स कर देंगे। और ये है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको भी थोड़ा सा डाल दिया जाएगा। और ये जो है आप कोई भी वेटनरी शॉप से ला सकते हो, ये 25 रुपए का आप लोग को मिल जाएगा। और गाइस इतना जो है ना काफ़ी दिन जाता है, एकदम हल्का सा हम लोगों को इसको ऐड करना होता है। ये देखो मेरे पास ये ख़त्म हो गया था, पहले था लेकिन अभी ख़त्म हो गया था, तो मैं इसको अभी थोड़े टाइम पहले ही खरीद के लेके आ रहा हूँ। ये देखो ये कुछ ऐसा होता है, आपको खाली इतना सा पानी के अंदर ऐड करना है। अभी जो है अपने सभी कबूतर आ चुके हैं बाहर, जो भी दाना होना गिरा हुआ है वो जो है खाने में लगे हुए हैं। और गाइस अगर आप हमारे कबूतरों की कंडीशन चेक करोगे तो ये देखो, ये तो हमारे फैंटेल कबूतर है, इनका मैं टेल अभी कट करने वाला हूँ। रोज़ सोचता हूँ आज कट करूँगा लेकिन गाइस भूल जाता हूँ, तो चलो आज नहान दे देंगे, आज मैं इनका कट नहीं करूँगा। और ये है हमारे नॉर्मल कबूतर की कंडीशन, देखो तो बारिश के सीजन में यही होता है, कबूतर के पर में पूंछ में पूरा बीट लग जाता है, उसके वजह से कबूतर गंदा हो जाता है। और अगर हम लोग इनको टाइम टू टाइम नहान ना दें अच्छे तरीके से तो ये जो है बीमारी में भी आ सकते हैं। ये सीज़न में सबसे ज़्यादा जो है सर्दी खांसी का बीमारी आता है, कबूतर को नज़ला जुकाम हो जाएगा या फिर उसके आँख में वायरस आने लगता है, आँख में पानी आ जाएगा, वाइट वाइट सा वायरस आ जाएगा। तो ये चीज़ का आप लोग खास करके ध्यान देना, अगर आपके किसी भी कबूतर को दिक्कत होता है तो तुरंत जो है उसको मेडिसिन दे देना, नहीं तो भाई तो एक बार बीमारी बढ़ जाए तो कबूतर को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ये कबूतर देखो, इसका टेल भी जो है पूरा बीट लग लग के ख़राब हो गया है बारिश की वजह से, देख रहे हो। और हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे किसी भी कबूतर में कोई बीमारी नहीं आई है, भगवान करे कि भाई कोई बीमारी आए भी ना। ये जो गाइस आप एक कबूतर देख रहे हो ना लकवे में, ये पहले का ही है, अभी ये बीमारी में नहीं आया, ये पहले से ही बीमारी में आ चुका है, अभी अभी जो है धीमे धीमे ठीक हो रहा है। और बाकी के जितने भी लकवे वाले थे वो सभी ठीक हो चुके हैं, लेकिन हमारा कोई कबूतर बीमारी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से रहें, हम लोग को टाइम टू टाइम अपने कबूतरों को नहान तो देना ही पड़ेगा। ये लोग को मैं यहाँ पर आराम से घूमने फिरने देता हूँ और अपने कबूतरों के लिए नहान का जो है मैं पानी तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग को इसको पाउडर फॉर्म में करना पड़ेगा। अभी जो है मैंने ये टब में पानी भी भर दिया है और यहीं से जो फिटकरी है इसको भी मैंने जो है पूरा चूरा कर दिया है पाउडर के जैसा, को डाल देते हैं भाई पानी के अंदर। और अब बारी है ये पोटेशियम परमैंगनेट डालने की, इधर ला भाई कैमरा। और गाइस ये देखो, जब मैंने फिटकरी को पानी के अंदर मिक्स किया तो भी पानी का कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाता है, लेकिन जब ये पोटेशियम डालूंगा तब जो है कलर हल्का हल्का पिंक हो जाएगा। और इसको हम लोग को ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो भाई कबूतर और भी ज़्यादा पीले हो जाएंगे। ठीक है, इसको हिसाब से डालना है थोड़ा सा। ये देखो भाई
खाली हल्का सा जा रहा है और पानी का जो कलर है चेंज होने लगा है। बस इतना काफी है, अभी हम लोग को इसको जो है पूरा मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है इसके अंदर और अपने कबूतरों को दे देना है नहाने के लिए। और अगर ये कबूतर पानी पी भी ले तो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला, नहाते समय उसके आंखों में भी चला जाए तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलो अब ये पानी देते हैं अपने कबूतरों को नहाने के लिए। आओ भाई चलो आप। पी रहा है उसका। आधा पीछे आधा पी दे रहा हूँ। ये पट्टे का भी पर खोल दूं क्या? ये जो खरीद के लाया था ना तीन कबूतर। अच्छा, इससे तो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये पट्टा, ये भी जो है नहाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे जो है अपने सभी कबूतर आराम से नहाते रहेंगे, तब तक जो है ये पट्टे का मैं पर खोल देता हूँ। ये देखो अभी भी इसका पर जो है वायर टेप से बंधा हुआ है, इधर और इधर भी। अगर इसको भी नहाना होगा तो आराम से नहा लेगा, इसका पर भी जो टेप की वजह से थोड़ा बहुत खराब हुआ होगा वो सही हो जाएगा। तो गाइस अभी जो है मैंने इसके दोनों साइड का पर भी खोल दिया है, वायर टेप से बंधा हुआ था, और जो ये थोड़ा बहुत पर खराब है ना, अभी जब ये नहाएगा वाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जा भाई जो है मैंने अपने कबूतरों को नहाने के लिए पानी भी रख दिया है। ये लोग जो है ऐसे ही धीमे धीमे करके सभी के सभी कबूतर नहा लेंगे। बारिश का सीजन चल रहा है, हमेशा बारिश होता है, उसके बावजूद भी ऐसा लगे कि मौसम थोड़ा गर्म हो गया है या फिर हल्का फुल्का धूप निकला है, तो आपको भी अपने कबूतर को टाइम टू टाइम ऐसे ही नहान देना है, जिससे कि कबूतर थोड़ा बहुत साफ भी हो जाए और बीमारी से भी बचे रहें। क्योंकि गाइस बारिश में जो है ज़्यादातर बीमारी आता है, क्योंकि बीट रूट जो है ना पूरा हमेशा गीला गीला रहता है, नमी बना रहता है इसके वजह से। इसके लिए फिलहाल मैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।